द्रौपदी के इस श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास। जानिए महाभारत काल के इस शर्मनाक घटना के बारे में। कुत्ते की वजह से द्रौपदी हुई थी शर्मसार, उनको दिया था यह श्राप। आमतौर पर कुत्तों को खुले में संबंध बनाते हुए कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या जानते हैं इसके पीछे वजह और पौराणिक कथा है। कहते हैं कि द्रौपदी के किसी श्राप के कारण कुत्ते खुले में संबंध बनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह कथा महाभारत काल से ली गई है। द्रौपदी के इस श्राप के कारण कुत्ते करते हैं खुले में सहवास। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अक्सर खुले में क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? क्या उसकी गलती इस सजा के लायक है? महाभारत काल एक ऐसी शर्मनाक घटना से चिह्नित था जिसने पूरी कुत्ते जाति का भविष्य बदल कर रख दिया था। कुत्तों को पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने उन्हें यह श्राप दिया था। अब सवाल उठता है कि पांचाली को कुत्तों से नफरत क्यों थी और वह कुत्तों को ही क्यों कोसती थी। हर साल केवल एक पांडव के साथ अपना समय बिताने का फैसला करने से पहले द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 बच्चों से हुआ था। पांडव के साथ समय बिताते समय वह उसे अपने कमरे में अपनी पादुकाओं को हटाने के लिए कहेगी, किसी अन्य पांडवों के कमरे में प्रवेश को रोकने के लिए। पांडवों में इन बातों को सर्वसम्मत स्वीकृति थी। अर्जुन और द्रौपदी एक दिन द्रौपदी के कमरे में थे। दोनों ने खूब एंजॉय किया। खोई हुई बातों के उस समय में दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। तभी एक कुत्ता उनके कमरे में आया। वन की ओर भागते हुए उसने अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में दबा ली। पादुका को जंगल में ले जाकर कुत्ता उसके साथ खेलने लगा। अपने कमरे में वापस जाने के दौरान भीम ने देखा कि द्रौपदी कमरे में अकेली थी। यह दर्शाता है कि वह अकेली थी। जैसे ही भीम कमरे में दाखिल हुए उन्होंने कुछ भी सोचना बंद नहीं किया। भीम अचानक इस तरह द्रौपदी के कमरे में आ गए जिससे वह आगबूला और लज्जित हो उठी। जब कमरे के बाहर की पादुकाएं संकेत करती हैं कि अर्जुन अंदर है तो क्रोधित लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा कि वह इस तरह कमरे के अंदर कैसे आ सकता है। भीम के अनुसार मैं अंदर आया क्योंकि बाहर पादुकाएं नहीं हैं, इसलिए मैं द्रौपदी को शांत करने में सक्षम था। अगर मैंने पादुका देखी होती तो मेरे लिए अंदर आने का कोई मतलब नहीं होता। तब अर्जुन और भीम कमरे से निकले और पादुका की खोज की। पादुकाओं की खोज में भाई उसी वन में पहुंचे जहां कुत्ते पशुओं के साथ खेल रहे थे। जैसे ही अर्जुन और भीम वन पहुंचे द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी का क्रोध इतना अधिक था कि जब उसने कुत्ते को पादुका के साथ खेलते देखा तो उसे श्राप दे दिया। शापित कुत्ते ने कहा कि आज मुझे भीम के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुलकर रहने का श्राप दिया और तब से वे पीड़ित हैं। दो कारणों से यह लोक कथा शास्त्रों में नहीं आती। पहला, इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरा, सभी जानवर खुल्लम खुल्ला रहते हैं, इसलिए श्राप केवल कुत्तों को दिया गया था। ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो इसे इस कारण से काल्पनिक कहते हैं। हमने हमेशा अपनी पौराणिक कथाओं में कुत्तों के बारे में कहानियां सुनाई हैं और हम आपको यहां और बताएंगे। माना जाता है कि प्रकृति में कुत्तों को आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता होता है। इसके अतिरिक्त कुत्तों में भूतों को देखने की भी क्षमता होती है। कुत्ते का रोना शुभ माना जाता है, हालांकि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। जब कुत्ते रात में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति को महसूस करते हैं तो वे आम तौर पर रोते हैं। ज्योतिष में कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कुत्ते के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह दूसरों का जीवन चुराकर अपना पेट भरता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुत्ता जब आपके खाने को छूता है तो वह अपवित्र हो जाता है।